हमारी बाइक ने धोखा दे दिया। तो गाइस अभी जाएंगे ऐसे ऐसे। हाय हाय, बर्फ खाकर प्यास बुझा जाता है। कोई रास्ता भी निकल से आना। लुक एट द व्यू। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली ट्रेवलर। एंड मैं हूँ अभी उत्तराखंड का वन ऑफ फेमस प्लेस ओली में। एंड यह है खूबसूरत सा ओली। एंड ओली में स्नोफॉल आप देख सकते हैं, अच्छी खासी स्नो हो रखी है। एंड ठंड भी अभी 1 डिग्री टेम्परेचर, रात के टाइम में -1 डिग्री टेम्परेचर जा चुका था। एंड अभी धूप निकली है, सो मौसम अच्छा है। लेट्स एक्सप्लोर ओली। ओली जाने के लिए आपको पहुंचना होगा जोशीमठ, जो हरिद्वार से लगभग 270 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। आप हरिद्वार से बाई रोड कैब टैक्सी हायर करके पहुंच सकते हैं, या फिर बजट में हरिद्वार से जोशीमठ के लिए बस मिल जाती है, जो 600 से 700 रुपए चार्ज करती है एंड आपको जोशीमठ छोड़ देती है। हरिद्वार से जोशीमठ पहुंचने में आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे। एंड जोशीमठ से ही ओली के लिए रास्ता गया है। सो ओली जाने के लिए कैब टैक्सी जीप आपको जोशीमठ के टैक्सी स्टैंड से ही मिलेगी। मैं जोशीमठ में पहुंच चुकी हूं एंड मैं अभी हूं जोशीमठ के वन ऑफ फेमस टेंपल नरसिंह मंदिर में, जो नरसिंह भगवान को यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यहां से दर्शन करने के बाद मेरी यात्रा स्टार्ट होगी ओली के लिए। मंदिर है, अंदर तो जा नहीं सकते। जोशीमठ से ओली जाने के लिए दो ऑप्शन है, पहला बाय रोड एंड सेकंड बाय रोपवे यानी कि केबल कार। एंड रोपवे से जोशीमठ से ओली की जो डिस्टेंस है मात्र 5 किलोमीटर की रह जाती है। एंड रोपवे की जो चार्ज है वो 1000 पर पर्सन है। बट फिलहाल जो आपदा आई है जोशीमठ में, जिसकी वजह से रोपवे सेफ नहीं है, सो रोपवे को बंद कर दिया गया है। सो अगर आप 2023 में, खासकर आप अभी मैं जब ओली आ रही हूँ फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक में, तो फिलहाल के लिए रोपवे बंद है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। सो अब बात करते हैं पहले ऑप्शन की। सो बाई रोड जोशीमठ से ओली की डिस्टेंस है 8-10 से 12 किलोमीटर की, जिसे पहुंचने में आपको लगभग आधा घंटे लगेंगे। सो आप जोशीमठ से कैब टैक्सी हायर करके जो ओली पहुंच सकते हो, जो 500 से 1000 रुपये चार्ज करेंगे। यह वैरी करता है आपको सीजन वाइज सीजन। एंड बजट में आपको जोशीमठ से शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है, जो 100 रुपीज पर पर्सन चार्ज करती है। बट फिलहाल शेयरिंग टैक्सी मुश्किल है, जब से यह आपदा आया है जोशीमठ में, जिसकी वजह से ओली में बहुत ही कम टूरिस्ट जा रहे हैं, बिल्कुल ही गिने चुने, जिसकी वजह से मे भी आपको शेयरिंग टैक्सी ना मिले या फिर आपको घंटों वेट भी करना पड़ सकता है। बट मैं जा रही थी बाई बाइक। सो आप भी बाई बाइक आने का प्लान कर रहे हो ओली, सो फिलहाल इस सीजन में, खासकर स्नो के टाइम में, बिल्कुल भी ऐसा रिस्क मत लेना। मैं बाइक लेकर तो आ गई थी, बट आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। बाइक बार बार स्लिप कर रहा था बर्फ की वजह से। एंड एक टाइम पर ऐसा हुआ कि बाइक ने जवाब दे दिया कि भैया मैं तो आगे नहीं जा रहा। एंड तभी मैं देखती हूँ कि सामने से दो बंदे बिल्कुल ही धीमी गति में अपनी बाइक को लेकर आ रहे थे। एंड ऐसा लग रहा था वो बाइक को नहीं, बाइक उन्हें लेकर आ रहा था। हमारी बाइक ने धोखा दे दिया, जवाब दे दिया, वहां तक आया एंड इसके ऊपर बाइक चल नहीं पा रहा है। पता नहीं एक बंदा कैसे वो ले गया था ऊपर, बोलता है कि आप लोग चले जाओगे, बाइक हमारी यहाँ से बढ़ ही नहीं रही है। एंड यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर अभी ऊपर ओली की डिस्टेंस रह गई है। यहाँ से टैक्सी तो मिल रही है बीच बीच में, लेकिन वो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा चार्ज करेगी। ओली के इतने नज़दीक आकर ऐसे तो वापस नहीं लौट सकते थे। सो ओली पैदल जाते हुए, ठंडी, इतनी ठंड लग रही है। तो गाइस अभी जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। ओली के रास्ते में बाइक ने धोखा दिया, इसको पैदल ही आ रहे हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिप था वो लिया है,
एंड अभी एक और शॉर्टकट है एंड यहाँ से भी अभी 3 किलोमीटर है। देखते हैं शॉर्टकट लेके जहाँ तक जा पाए, बट बी केयरफुल, बहुत ही आराम आराम से चढ़ने का है क्योंकि पैर स्लिप कर रहे हैं, ऊपर से माइनस में टेम्परेचर, हाथ पैर अलग सुन हो रहे हैं। क्या क्या गाइज नहीं करना पड़ता है बताओ आप सभी के लिए। और ये बेसिकली प्लान में था नहीं, बट लगा कि यहाँ पर आ गए हैं तो एक वीडियो तो आप सबके लिए बनाना बनता है, क्योंकि जोशीमठ में लोगों ने बताया कि ओली बहुत ही कम टूरिस्ट आ रहे हैं, जबकि ओली सेफ है अभी इस आपदा में और रुकने का भी जोशीमठ मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मा जब बजट कम हो तो ऐसे रास्ते ही फॉलो करने पड़ते हैं। हाय 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 रास्ता रहा। यहाँ पर देखो देखो गाइस किधर से रास्ता है कि नहीं है, बस भाई लिए जा रहा है, बोलता है आओ इधर, पता नहीं रोड तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा फंसे हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल। सो बिना पैसे खर्च किए बजट में ऐसे ही ट्रेवल होता है, आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही ट्रेवल वीडियोस देखने को मिलेंगे। हालांकि गाइस बीच बीच में इस तरह से सीढ़ियां बनी हुई है, बट वो भी कहीं कहीं जाकर छिप जाती है, समझ नहीं आता है। सो गाइस चलते हुए आधा घंटा ऑलमोस्ट हो गया, फिर भी अभी तक नहीं पहुंची हूँ, पता नहीं कितना ऊपर है। मम्मी पता है टैक्सी वाला वहां से 3 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर का 500 रुपीज चार्ज कर रहे थे। सो गाइस प्यास लगी है, साथ में पानी है नहीं, क्योंकि था कि बाइक से जाना है आ जाना है, कुछ लिया नहीं है पहली बार। और देखो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपने साथ पानी का बोतल जरूर लेके चलना, कुछ हो चाहे नहीं हो। एंड ऊपर चढ़ने में अभी गला सूख रहा है, प्यास इतनी लग रही है तो क्या किया जाए, बर्फ खाकर प्यास बुझाया जाता है। फिर भी प्यास लगता है ना, तो पानी के अलावा कुछ और नहीं दिखता। काम चलाने का ठीक है, प्यास नहीं मिट रही है। अब पता नहीं कहाँ जाना है, कोई रास्ता भी निकल रहा जाना। गाइस कभी भी ना ये वाला जो है रास्ता जिसका स्नो बिल्कुल ही वो हो चुका है उस पर नहीं चलना, वो बहुत ज्यादा स्लिप करेगा। ये जो ताजा स्नो इस पे चलने का ये स्लिप नहीं करता है। फाइनली गाइस हमारा ये 40 से 45 मिनट का ट्रैक था जहाँ पर हमने बीच रास्ते में अपना बाइक छोड़ा था, और ये ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया एंड पहुंच चुके हैं ऊपर में। मैं आपको बैक कैमरे दिखाती हूँ, मजा आ गया ट्रैक करके बर्फ के बीचों बीच। चलो 500 रुपीज बचा लिया हमने। सो ये रहा सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट जो भी ऊपर बने हुए हैं, स्नो तो अच्छी हो रखी है यहाँ पे। कल यहाँ से 250-300 मीटर रह गया है, पीछे में ये रोड था एंड गाड़ी अभी थोड़ा ऊपर तक जाती है जहाँ पे जेएम वेन का रिजॉर्ट है। एंड ये शॉर्टकट है, फिर से भैया ने बोला कि शॉर्टकट ले लो, यहाँ पे कुछ होटल्स है और ऊपर तक पहुंचाएगी, फिर ऊपर से देखते हैं क्या करना है। अच्छा खासा स्नोफॉल हो रखा है चारों तरफ, देखो आप सॉली आप आ सकते हो। सो गाइस ये रही सड़क,
जो ऊपर रिजॉर्ट को जाती है। स्काई रिजॉर्ट भाई, अभी भी ट्रैकिंग खत्म नहीं हो रही है, थोड़ा और ऊपर केवल घर दिखाई तो दे रहा है, तो थक गए हैं पीछे से आते आते। एंड फाइनली जैसे तैसे करके मैं ओली पहुंच ही गई। एंड ऊपर पहुंचते ही जो नज़ारा था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड यहाँ पर मुझे नज़र आया छोटा सा दुकान जहाँ से मैंने ऑर्डर किया चाय एंड मैगी, एंड फिर मैंने एंजॉय किया पहाड़ों वाले टेस्टी सा मैगी। स्नोफॉल अच्छा खासा हो रखा है एंड ऊपर जाने पर आपको और भी ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारी स्कीइंग, ट्यूब, जो भी स्नो एक्टिविटीज होती है वो सब हो रहा है। सो यही वो एरिया है, यहाँ तक ही अगर आप बाई टैक्सी कार आते हो तो रोड यहीं तक आती है। एंड यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर की डिस्टेंस है जिसके लिए यह ओपन केवल कार जाती है ऊपर में। और यहाँ पे रुकने के लिए GMVM का स्टे बने हुए हैं, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो या फिर आप जोशीमठ में स्टे कर सकते हो। या फिर अभी जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि अभी जो जोशीमठ में जो यह आपदा आई है जिसकी वजह से जोशीमठ में स्टे होटलों में रुकने नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आई हुई हूँ एंड वहाँ पे GMVM का होटल में आप रुक सकते हो या कोई भी अभी जो मेन मार्केट में जो होटल्स है प्राइवेट, हर जगह आपको स्टे इजिली मिल जाएगा। सो आप इजिली वहाँ पे स्टे कर पाओगे। यहाँ तक आप बाई टैक्सी आ सकते हो एंड फिर यहाँ से केबल कार लेके आपको अगर और हाइट पे जाना है तो जा सकते हो, या फिर वॉक करके भी जा सकते हो, या फिर यहाँ पे भी सारी देखो स्नो एक्टिविटी वगैरह हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप स्नो एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो, स्नो एंजॉय कर सकते हो। सो इसी तरह के अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए ओली को एक्सप्लोर करते हैं। सो यह केवल कार की हेल्प से आप 2-2.5 किलोमीटर और ऊपर में जा सकते हैं, जिसकी चार्ज है 500 रुपीज पर पर्सन। एंड यह अभी खुला हुआ है एंड यह आपको ऊपर में छोड़ती है जहाँ से जोशीमठ से जो रोप पे आती है पिलर नंबर 8 के पास से। ऊपर जाकर बर्फ से ढकी चोटियां, साथ ही ओली का और भी बेहद खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टी पॉइंट, मैगी पॉइंट मिल जाएगा, साथ ही ऊपर में भी जाओगे तो ऑलरेडी ऊपर में भी टी पॉइंट, मैगी पॉइंट है बने हुए हैं। ऊपर में एक लेक भी है छोटा सा जो अभी फ्रीज हो चुका होगा। मैं ऊपर नहीं जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने पहले मैं आई थी, तब गई थी, तब तो स्नो नहीं था, क्योंकि मैं पंच प्रयाग एक्सप्लोर कर रही हूँ। सो अभी टाइम नहीं, आज रिटर्न भी होना है, सो अभी यहाँ से विष्णु प्रयाग जाना है। यहाँ पे स्कीइंग वगैरह हो रहा है एंड ट्यूब एक्टिविटी का 100 रुपीज पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं। एंड स्कीइंग का मुझे पूछना पड़ेगा, फिर मैं बताती हूँ आपको पूछ के। स्कीइंग का 500 कहाँ से करवाते हो? अच्छा, वहाँ से ऊपर से। अभी यहाँ पे बहुत टूरिस्ट कम है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टूरिस्ट होते हैं यहाँ तो ओली में। जोशीमठ में जो आपदा आई है उसकी वजह से नहीं, लोग मोस्ट ऑफ पता नहीं होता, लोग डर, लोगों को लगता है कि जोशीमठ में वो चीज हुई है तो शायद ओली में भी हुई है, लोगों को ऐसा। या फिर तो बहुत सारे स्नो मिलने वाले हैं अभी फरवरी मंथ में भी, अगर आप आ रहे हो तो जल्दी से आ जाओ। एंड मस्त है, अच्छा लोकेशन है। अब मैं रिटर्न हो रही थी,
स्काई रिसॉर्ट के बाहर में टैक्सी खड़ी थी, जिससे जब मैंने पूछा 3 किलोमीटर नीचे जाने के लिए तो वो फिर से 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। तो भैया मुझे 500 रुपीज़ नहीं देने थे क्योंकि मैं एक बजट में ट्रैवल करती हूँ, ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। सो वापस मैं पैदल ही जैसे मैं आई थी वही मार्ग को फॉलो करते हुए निकल पड़ी। सो गाइस रिटर्न भी मैं इन्हीं रास्तों से होकर जा रही हूँ, देखो आप। सो गाइस वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। भैया सॉल्ट डाल रहे हो? हाँ। तो इससे बर्फ पिघल जाती है? हाँ। मुझे पता नहीं था इसलिए मैं सुबह पिघला देते, मेरा बाइक नीचे नहीं रखना पड़ता। हम लोग का बाइक यही नीचे में, यहाँ तक आया फिर यहाँ से पैदल ही गए। ये सुबह का डाला इधर। अच्छा अच्छा ओ वाह, नमक तो बहुत अच्छा काम करता है भाई। सो गाइस इस छड़ी ने बहुत काम दिया एंड ये रहा हमारा बाइक एंड अब यहाँ से चलते हैं होटल एंड फिर निकलते हैं विष्णु प्रयाग के लिए। ऑलरेडी लेट हो रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो को लेकर, इस जगह को लेकर कोई भी क्वेरी है देन प्लीज कमेंट बिलो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जगह पर। बाय बाय, टेक केयर।